Class 12th, Novel, The Invisible Man Summary. On a cold, wintry day, a stranger came through the snowfall carrying a black portmanteau in his hand and put up at the inn, Coach and Horses. तो एक बहुत ही ठंडा दिन होता है, हवाएं चल रही होती हैं और एक स्ट्रेंजर जो है वो स्नोफॉल में आता है. उसके हाथ में एक ब्लैक पोर्टमैंटी होता है, मतलब एक ट्रैवलिंग बैग होता है, और वो उसे लेके इन मतलब कि एक होटल में आता है जिसका नाम होता है कोच एंड हॉर्सेस, जो कि इंग्लैंड के एक विलेज आइपिंग में होता है. द स्ट्रेंजर वॉज रैप्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड नो वन कुड सी हिज फेस. तो जो स्ट्रेंजर होता है वो रैप होता है, मतलब वो पूरा बंधा हुआ होता है बैंडेजेस से फ्रॉम हेड टू फुट, और उससे कोई भी उसका फेस देख नहीं सकता. Mrs. Hall, the owner of the inn, thought that the stranger had either met with an accident or had an operation on the face. तो जो उस inn की owner होती हैं Mrs. Hall, उन्हें लगता है कि जो stranger है शायद उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या उसका फेस का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से उसने अपना पूरा फेस कवर कर रखा है. His bags and baggage contain only bottles and 3 notebooks. उसके पास जो बैग था उसके अंदर सिर्फ बॉटल्स थी और 3 नोटबुक्स थी. The stranger kept to himself in his room and conducted experiment. वो अपने कमरे में ही रहता था हमेशा और एक्सपेरिमेंट्स करता था. He wanted to be alone and undisturbed as he hated being disturbed while at work. वो हमेशा अकेला रहता था और वो चाहता था कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और वो एकदम शांति से अपना काम करे. His rude and strange behavior made him unpopular with the villagers and they suspected him to be a criminal. उसका ये जो रूड बिहेवियर था, स्ट्रेंज बिहेवियर था, इस वजह से वो विलेजर्स के बीच में अनपॉपुलर हो गया, मतलब कि लोग उससे गलत समझने लग गए कि वो एक क्रिमिनल है. There was a theft in the house of Buntings at the time when the stranger was not in his room. तो जब स्ट्रेंजर अपने कमरे में नहीं होता उसी टाइम पे बंटिंग जो होते हैं वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग, उनके घर पे एक चोर आता है, थेफ्ट आता है, और वो और कोई नहीं स्ट्रेंजर ही होता है. जो मिसेस और मिस्टर हॉल हैं वो कमरे में जाते हैं, वो देखते हैं कोई भी नहीं है कमरे में, और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि जो बेडशीट है वो अपने आप हिल रही हैं, डांस कर रही हैं. द टेरिफाइड ओनर्स, टेरिफाइड मतलब जो डरे हुए ओनर्स हैं, वो उसे एकदम पकड़ते हैं इनविजिबल मैन को और उसे भगा देते हैं इनसे विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जेफर्स, जो कि विलेज के कॉन्स्टेबल हैं. उसके बाद ग्रिफिन वही है, स्ट्रेंजर का नाम ग्रिफिन है. ग्रिफिन उसके बाद मिस्टर मार्वल से मिलता है जो कि एक लोकल ट्रैम्प है. ट्रैम्प मतलब कि वो पर्सन जिसका कोई घर नहीं होता, तो वो उससे मिलते हैं. टू होम ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज इनविजिबल, जिसे वो बताते हैं कि वो इनविजिबल हैं. ही थ्रेटन्ड टू किल हिम इफ़ ही बिट्रेड, तो वो वो बोलते हैं कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम्हारी जान ले लूँगा. He returned to Iping with Mr. Marvel to take his 3 notebooks and other belongings. तो वो आइपिंग विलेज जो है इंग्लैंड का, वहाँ पे वो दोबारा जाते हैं मार्वल के साथ ताकि वो अपनी नोटबुक्स और अपनी बिलोंगिंग्स वापस ला सके. Since he has no क्लोथ्स ऑन ही कुड नॉट बी सीन बाय एनीबडी, उसके पास कोई कपड़े नहीं होते इसलिए कोई भी उसे देख नहीं सकता. आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होते हैं, दे कम टू बर्गडॉफ वेयर मिस्टर मार्वल ट्राइड टू गिव हिम अ स्लिप बाय हाइडिंग द इन जॉली क्रिकेटर्स. बाय दिस टाइम, इस टाइम पे जो स्टोरी है इनविजिबल मैन की वो न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है, पब्लिश हो चुकी होती है. जो पूरी कंट्री होती है सब में इनविजिबल मैन के बारे में सबको पता चल चुका होता है. अ सफल इंश्योर्ड इन द इन एंड द इनविजिबल मैन वाज हर्ट. एक हल्की सी शफल होती है इन में और इनविजिबल मैन हर्ट हो जाता है, अननोइंगली वो इंजर्ड हो जाता है और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो शेल्टर के लिए वो डॉक्टर केम्प, जो उनके कॉलेज के फ्रेंड हैं, हु हैपन टू बी हिज एसोसिएट इन कॉलेज, उसके पास जाते हैं. ग्रिफिन टोल्ड हिज स्टोरी टू डॉक्टर केम्प, वो अपनी स्टोरी डॉक्टर केम्प को बताते हैं. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन ही वाज सडनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टॉपिक ऑन फंक्शंस ऑफ लाइट. वो पहले मेडिसिन के स्टूडेंट थे बट सडनली वो टॉपिक्स एंड फंक्शन ऑफ लाइट में अट्रैक्ट हो गए. ही इन्वेंटेड अ केमिकल बाय विच ही मेड अ पीस ऑफ वुल इनविजिबल. तो उन्होंने जो केमिकल बनाया था, सबसे पहले उन्होंने एक वुडन का वुल का पीस इनविजिबल करा. उसके बाद ही ट्राइड इट ऑन अ कैट एंड देन ऑन हिमसेल्फ. फिर उन्होंने यही फॉर्मूला इन्वेंशन एक कैट पे ट्राई करा, उसके बाद अपने ऊपर ट्राई किया. ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनी वन अबाउट हिज इन्वेंशन एज ही फेयर दैट समवन एल्स वुड टेक द क्रेडिट ऑफ हिज इन्वेंशन. वो अपनी इन्वेंशन के बारे में किसी को भी नहीं बताते क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कोई और उनके इन्वेंशन का क्रेडिट ले लेगा. At first he thought only of the advantages of being invisible. सबसे पहले उन्होंने सिर्फ advantages सोचे invisible होने के. But gradually he found the disadvantages too. लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें disadvantages भी पता चल गए. He needed food. उन्हें food की ज़रूरत थी, clothes की और shelter की. As the weather was changing and snow would settle on his body. क्योंकि weather change हो रहा था और snow उनकी body पे settle हो जाती. He came to Iping to do research and found out the reverse process which has not been invented. वो Iping दोबारा आते हैं research करने के लिए और reverse process find करने के लिए जो अभी तक invent नहीं हुआ था. His body was like a thin sheet of glass. उनकी जो बॉडी थी वो एक thin sheet of glass की तरह थी. The food that he ate could be seen going down through his throat until it was digested. तो जो वो खाना खाते थे वो हम देख सकते थे कि उनके थ्रोट से जा रहा है until it was digested, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता था. Only the dogs could sense him. जो डॉग्स थे वो ही उन्हें सेंस कर सकते थे. He wanted his 3 notebooks फॉर मिस्टर मार्वल. उन्हें अपनी जो नोटबुक्स हैं 3 वो वापस चाहिए थी मिस्टर मार्वल से. ही टोल्ड डॉक्टर केम दैट टुगेदर दे वुड अनलीश द रीन ऑफ टेरर इन दैट स्मॉल टाउन. तो वो बोलते हैं डॉक्टर केम से कि हम इस पूरे स्मॉल टाउन में अपना एक रूल स्टार्ट कर देंगे, एक टेरर स्टार्ट कर देंगे. लेकिन जो डॉक्टर कैंप होते हैं वो उनका मेंटेन नहीं करते प्रॉमिस और सीक्रेसी. वो ये बात कॉलोनल एडिये जो वहाँ के पुलिसमैन होते हैं उन्हें बता देते हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इनविजिबल मैन इन द हाउस. सीइंग द पुलिस ग्रिफिन रैन आउट ऑफ द हाउस कॉलिंग कैंप अ ट्रेटर. जब वो पुलिस को देखते हैं वो भागते हैं और कैंप को वो एक चीटर बुलाते हैं, एक धोखेबाज बुलाते हैं. अ सीज वॉज लेड इन द होल टाउन. एक सीज था होल टाउन में. सीज मतलब आर्मी फैला दी गई थी टाउन में कि इनविजिबल मैन को पकड़ा जाए अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर केम्प. द इनविजिबल मैन अटैक्टेड द हाउस ऑफ डॉक्टर केम्प एज ही हैड रियलाइज दैट डॉक्टर केम्प हैज़ बिट्रेड हिम. वो अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि डॉक्टर केम्प ने उन्हें धोखा दिया है. इन द फाइनल चेस, जब वो लास्ट में उसे पकड़ रहे होते हैं तो इनविजिबल मैन को जो रोड वर्कर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर केम्प पकड़ लेते हैं, मारते हैं और वो मर जाता है. आफ्टर डेथ ग्रिफिन बॉडी बिकेम विजिबल. उसकी जो बॉडी है वो विजिबल हो जाती है. मिस्टर मार्वल ओपन एंड इन. मिस्टर मार्वल जो है वो एक इन खोलते हैं विद द मनी दैट ग्रिफिन हैज़ केप्ट टू हिम. जो मनी ग्रिफिन का जो मनी है जो मिस्टर मार्वल के पास था उसी मनी की मदद से वो एक इन खोलते हैं और उसका नाम वो द इनविजिबल मैन रखते हैं. ही ऑल्सो प्रिजर्व द नोटबुक्स फ्रॉम डॉक्टर केम्प. जो उनके पास जो नोटबुक भी होती हैं ग्रिफिन की जो अपने पास रखते हैं, लेकिन वो उनका कुछ यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो कोडेड लैंग्वेज में होती है और वो आउटसाइड वर्ल्ड से फॉर्च्यून गेन करना चाहते हैं समडे. फॉर्च्यून मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. तो यहीं पे हमारी ये समरी ख़त्म होती है. ये एक शॉर्ट समरी मैंने एक्सप्लेन करी थी. आई होप यू ऑल लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट डू हिट द लाइक बटन. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.